आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने चंदौली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी महिला और पुरुष वार्ड की जांच की, साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों से उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मिले कमियों पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई और जल्द ही कमियों को दूर करने के आदेश दिए। चिकित्सालय चंदौली का हमने निरीक्षण किया है, यहाँ पर कई खामियां मिली हैं, उनको सुधारने के हमने निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से भी हमने कहा है और यहाँ के जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी कहा है कि मरीजों के हित के लिए जो शासन ने दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको मरीजों के हित में, गरीब जनता के हित में उपयोग करें और कोताही मिलने पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। और रख रखाव भी अस्पताल परिसर का बेहतर होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, मरीजों के परिजनों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, स्ट्रेचर व्हील चेयर के इंतजाम होने चाहिए, मरीजों को बेवजह वेट न करना पड़े, पर्चा काउंटर पर लंबी लाइन न हो, अगर आवश्यकता पड़ती है तो कई काउंटर खोले जाएं और अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान। लखनऊ विकास प्राधिकरण में सुरेश खन्ना के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और आगामी कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को विकास के कार्य की समीक्षा और जनता के बीच प्रवास करने को लेकर एक एक मंडल का जिम्मा दिया गया। इसी क्रम में लखनऊ की जिम्मा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को दिया गया। आयुष्मान भारत योजना बहुत पॉपुलर हुई और उसके तहत अभी 1,39,753 लोग इसमें नामांकित हैं आयुष्मान योजना के अंतर्गत, जिसमें से 72,002 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इनके 75 करोड़ रुपया इनके खाते में पहुंच चुका है, ये लोग जिससे लाभान्वित हुए। जो टैबलेट वितरण की बात है, हमारे संकल्प पत्र में भी था, 80,493 संकल्प को टैबलेट और स्मार्टफोन हम बांट चुके हैं, जिसमें से पोस्ट ग्रेजुएट को टैबलेट 33,916 और ग्रेजुएट्स को स्मार्टफोन 46,577। कन्या सुमंगला योजना में 11,470 लोगों को। खबर अलीगढ़ से है, जहां 3 दिवसीय भ्रमण के लिए गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण, समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण और जल शक्ति मंत्री निषाद अलीगढ़ पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में कानून व्यवस्था और शहर के तमाम मुद्दों पर निर्देश भी दिए गए। स्कूल चलो अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। गायों के रख रखाव के लिए कहा गया है और गौशालाएं बनाने के लिए प्रस्ताव भेजें। कहा गया है कि गांवों में और शहर में सफाई की पूरी तरह से व्यवस्था हो, जितने भी सामुदायिक शौचालय बने हैं उनको ठीक तरह से एक्टिवेट किया जाए। कानून व्यवस्था में प्रत्येक आदमी को न्याय मिलना चाहिए। इस समय भयंकर गर्मी का समय है, पेयजल तुरंत पेयजल उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ के प्रबंध के लिए उन्हें सचेत किया गया है, बाढ़ चौकी भी बनाई जाए और जितने भी तालाब हैं अलीगढ़ में उनको 15 दिन के अंदर तुरंत तालाबों को भरवाया जाए प्राथमिकता के आधार पर। शहर में बिजली ही पूरी तरह 24 घंटे उपलब्ध कराई जाए और गांवों में जो जिस तरह से शेड्यूल है बिजली का, जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करें, ये निर्देश हम। खबर गांव
गाजीपुर से है जहां यूपी के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख पहुंचे और कहा कि यूपी सरकार प्रदेश की जनता के मान सम्मान और काम में जुटी है और सीएम योगी ने मंत्रियों को हर जिले में भेजकर योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। वहीं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रणाम पत्र भी दिया। देखिए कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। वो इस समय जेल में है, जो भी कोर्ट के आदेश होंगे उनको सब लोग हम लोग। देखिए मैं आप पूर्वांचल के बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो कि बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे हाईवे मिले हैं और आप सौभाग्यशाली हो कि आप लोग जहाँ 10-10 घंटे में लखनऊ पहुँचते थे आज आप 3-3.5 घंटे में आप लखनऊ पहुँचेंगे, आप 1 घंटे में बनारस पहुँचेंगे, आप कुछ घंटों में दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। टोल टैक्स भार पड़ना एक अलग है कि आपको अपने समय से पहुँचने की और अपने समय बर्बाद ना हो इस तरह से आपको अच्छे हाईवे जो मिले हैं उसके लिए आपको सरकार का केंद्र का और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बलिया का निरीक्षण करने प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेन तोमर पहुंचे। ऊर्जा राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद में बेसिक शिक्षा बढ़िया काम कर रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सीएम योगी बिजली के संकट को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। यूपी में किसी को भी बिजली को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी तो उसको दूर किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश में पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे योगी आदित्यनाथ जी लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली से किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के पास पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है, उस दिशा में और तेजी के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो नियमावली बनी हुई है उसी के अनुसार सबको बिजली उपलब्ध हो। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं, इन सब को ठीक हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक रहे इसके लिए लगातार अधिकारियों के केंद्र के संपर्क में और सब चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। मैंने कहा पर्याप्त ऊर्जा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बुलडोजर नीति सरकार और बिजली के संकट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता झुलस रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा देकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त बिजली का संकट है। मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि बांदा देश का सबसे गर्मी झेलने वाला जिला बना उत्तर प्रदेश का, 47 डिग्री टेम्परेचर रहा और पूरे बुंदेलखंड में 10-10 घंटे 12-12 घंटे कटौती हो रही है। यही हालत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है। गांवों में लाइट नहीं है, शहरों में लाइट नहीं, कस्बों में लाइट नहीं। 23,000 मेगावाट की जरूरत है और 19,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल पा रही है, यानी 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है। और कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है, कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन। पसवी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 5 मई को ताजमहल के गेट पर धर्म संसद लगाने की बात कही और साथ ही 5 मई को आगरा के ताजमहल में शिवजी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं आचार्य ने ताजमहल को तेजो महालय कहा। मैं आगरा के तेजो महालय, जिसको मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू किया, गलत इतिहास बताया गया, वो भगवान शिव का मंदिर है। जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं और मैं रिटर्न चले आया। इसके बाद जब वहां विरोध शुरू हो गया तो वहां के जो ASIR के पटेल हैं उन्होंने हमसे क्षमा मांगा है और मुझे पुनः इनवाइट किया है। तो मैं 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट
10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत, धर्माचार, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए और 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। यह सब कार्य जो है एक भगवान की कृपा से संवैधानिक दायरे में होगा। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां तकनीक के सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, महामंत्री प्रवीण सिंह जादौन के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आंदोलन के सफल न हो पाने की वजह बताई। तकनीक का उपयोग प्रशासन में करके प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। पिछले 5 वर्षों में सामान्य जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में कितना अच्छा सुधार आया है वो तकनीक के सहारे आया है। अब पेंशन जो है वो गरीब के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होती है। जो भी सरकार से बेनिफिट्स हैं किसान को है वो भी सीधे उसके खाते में जा रहा है और वो तकनीक का उपयोग है। तकनीक का उपयोग पारदर्शिता। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद जिले के कंपोजिट विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद पाया गया, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने कंपोजिट विद्यालय के कार्यरत शिक्षिकाओं को निलंबित करने के लिए बीएसएस को निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से मुद्दे पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया गया। कल उनके द्वारा रजादेतपुर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण हमारे जीएन परिषद में किया गया था। तो वहाँ पे जो बाउंड्री वाल नहीं थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाउंड्री वाल का निर्माण करा दिया जाए। 7 अध्यापक थे जिसमें से 3 अध्यापक छुट्टी पे थे। किसी तरह से उनका ये कहना था कि आप यहाँ पे विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से कराइए और उस पर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा जो निरीक्षण किया गया वो नगर क्षेत्र के मढ़िया मामला अलीगढ़ के अकबराबाद क्षेत्र का है, जहां छोटी सी नोकझोंक के चलते एक नाबालिग को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि गांव में समरसेबल बंद करने को लेकर कुछ लोगों ने नाबालिग बच्चे से जमकर मारपीट की। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अलीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। थाना कौन सा पड़ता है? थाना करवाल। अच्छा, ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ जी, हमारा पशु चुनावत घेर के बाहर होगा। किस बात को लेकर के? पहले से कोई रंजिश थी कैसे? ना रंजिश का सुनाई पहले की था, अब तो नई रंजिश हम मारो है। तो खेत में पशु जाने के कारण कैसे? उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के न्यू जीवन हॉस्पिटल में युवती का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। बता दें कि कल युवती ने अस्पताल में नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए गई थी। वहीं पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है। थाना बांगरमऊ में न्यू जीवन हॉस्पिटल में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके परिवारजनों का आरोप है कि इसकी हत्या रेप करने के बाद की गई है। जिन 3 लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से अयोध्या के थाना तारुण क्षेत्र में एक छात्रा का शव कब्र से खोद कर निकाला गया। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को संदिग्ध हालात में किशोरी की मौत हो गई थी। उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटकता पाया गया था, जिसके बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। लेकिन अब किशोरी के भाई की मांग पर मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और DM के आदेश पर शव को कब्र से निकाल कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। निर्देश प्राप्त होने पर मैं CEO और डॉक्टर तिल्लों की संयुक्त टीम के साथ कुमारी रोशनी का बेदापुर मंजे पंधरिया से खोदकर लाश निकाली गई और पंचनामा करते हुए वहीं जहां एक तरफ
प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों की तरफ विशेष ध्यान देकर बेहतर शिक्षा और सभी सुविधाओं से प्राथमिक विद्यालयों को लैस करने में लगी हुई है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ा प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पर रसोई घर में भूसा भरा हुआ है और बच्चे की जान जोखिम में डालकर स्कूल के कमरों में खाना बनाया जाता है। स्कूल में कायाकल्प के नाम पर सिर्फ रंगाई पुताई ही है और बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस मामले पर प्रधानाध्यापक से अधिकारियों से शिकायत भी की गई पर अधिकारियों ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। नाम है राधिका, इंचार्ज सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा। हमारे संज्ञान में नहीं था जब ये सब भूसा रख दिए। जब हमें संज्ञान में आया तो अपने हम खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित किए और सूचित करने के बाद में अधिकारी जांच में भी आए। यहाँ के जो ये रमाकांत नाम है ना सर, रमाकांत को बार बार, रमाकांत शुक्ल को बार बार सूचित करने के बाद बदायूं आलापुर कस्बे में भीषण गर्मी के दौर में भी नगर पंचायत की ओर से लगाए गए पंप खराब पड़े हैं, जिसमें लोगों को पानी की भारी किल्लत उठानी पड़ रही है और कस्बे में लोग 1 किलोमीटर दूर दूसरे वार्ड से पानी भर कर ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि कस्बे में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गाजियाबाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन ने गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कुछ अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व कर लिया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से गाजियाबाद में जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। लगभग 4000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं, जिनमें आज का पॉजिटिव रेट 1.7% रहा। गाजियाबाद अस्पताल प्रशासन ने 291 बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित किए हुए हैं। बता दें कि कोविड मरीजों के लिए संतोष हॉस्पिटल में 100 बेड सुरक्षित किया गया है, जिसमें से 40 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित किया गया है। केवल एक मरीज हमारे पास भर्ती है, हम जांच भी बढ़ा रहे हैं। हमने करीब 4000 जांच हम रोज कर रहे हैं, जिसका पॉजिटिव रेट कल का करीब 1.73 है और हमारे पास लगभग 291 बेड फिलहाल हमारे पास हैं कोविड के। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एएमयू क्षेत्र की ठंडी सड़क पर लगभग सैकड़ों पेड़ों पर नगर निगम ने नुकीली कील से पूरे पेड़ को लाइटों से जड़ दिया है, जिसको देख पर्यावरण सचिव रंजन राणा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत पत्र देकर हरे पेड़ पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया और कहा पेड़ों पर नुकीली कील लगाना एक अपराध है और पेड़ पर लगे लाइटों की वजह से ऑक्सीजन की क्षमता भी कम हो रही है। ठंडी सड़क है, उस पर सजावट के नाम पर इतनी मोटी मोटी कीलें ठोक दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इस पर रोशनी करी जाएगी। पेड़ों को काटकर रोशनी करना या उन पर इतनी मोटी मोटी कीलें ठोक देना कोई अच्छी बात है? सरकार हमें इतना सहयोग कर रही है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। वहाँ पर कुछ लाइटिंग उन्होंने की है, तो पहले तो ये समझा गया कि किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शायद उन्होंने किसी उत्सव वगैरह के लिए इस तरह की है, लेकिन बाद में हमने आयोग महोदय को पत्र लिखा है कि परमानेंट इस तरह से लाइट ना लगाई जाए ताकि पेड़ को नुकसान ना पहुंचे और उसकी फोटोसिंथेसिस। रायबरेली में पेड़ काटना युवक को इस कदर महंगा पड़ गया कि उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को होते ही कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक सलोन गांव के पास ही पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और इसी दौरान पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके में एक मंचले की बीच सड़क जमकर चप्पलों से पिटाई हुई है। बता दें कि परिजनों ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। परिजनों का कहना था कि ददौर गांव के पास रहने वाली एक छात्रा को मंचला काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और मंचला की इस हरकत से परेशान होकर परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई की। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।